महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि, अपने संतान की लंबी और निरोगी आयु के लिए शीतला माता की पूजा करती है तथा व्रत रखती है। माँ शीतला की आराधना बच्चों को दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। माना जाता है कि शीतला माता की इस पूजा के प्रताप से बच्चों को चेचक, खसरा और आंखों की बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। इस दिन ठंडी चीजों से माँ शीतला की पूजा करने पर माँ शीतला साधकों के तन मन को शीतल कर उनके समस्त प्रकार के तापों का नाश करती है। होली के बाद गणगौर शुरू हो जाती है और इसी पूजा के 7 दिन के बाद शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी मनाई जाती है। बहुत से लोग शीतला सप्तमी पर यह पूजा करते हैं तो बहुत सी जगह पर यह पूजा अष्टमी पर की जाती है, लेकिन अधिकतर लोग होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को यह पूजा करते हैं। सोमवार या शुक्रवार को शीतला पूजा के लिए ठंडा वार माना जाता है। इसीलिए यदि आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर यह पूजा न कर पाए तो इन दिनों में आने वाले सोमवार या शुक्रवार को आप यह पूजा कर सकते हैं। जिस दिन यह पूजा की जाती है उसके पहले दिन रांधा पुआ मनाया जाता है, यानी शीतला माता की पूजा का सारा भोजन पहले ही दिन तैयार कर लिया जाता है और शीतला पूजा के दिन कुछ भी गर्म नहीं बनाया जाता और न ही गर्म भोजन खाया जाता है। उस दिन सभी बासी भोजन करते हैं। इस पूजा का वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि अब गर्मियां शुरू हो चुकी है, आपने अभी तक सर्दियों के मौसम में जो भी ठंडा बासा खाया अब वह आप नहीं खा सकेंगे, या इस दिन के बाद आपको ठंडा बासा भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्मियां शुरू होने से अब भोजन जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगा। साल 2024 में शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी तथा शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। शीतला सप्तमी सोमवार के दिन होने से बासोड़ा शीतला सप्तमी को ही मनाया जाएगा, क्योंकि इस पूजा के लिए यदि बीच में सोमवार आ जाए तो उस दिन को नहीं टाला जाता, और फिर भी यदि आप केवल शीतला अष्टमी के दिन ही पूजा करते हैं तो भी इस साल यह पूजा शीतला सप्तमी को ही करनी होगी, क्योंकि शीतला सप्तमी के दिन सोमवार है और इन दिनों में शीतला माता की पूजा से पहले यदि कोई सोमवार आ जाए तो उस दिन घरों में कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है, तो फिर शीतला अष्टमी का भोजन भी तैयार नहीं हो पाएगा। इसीलिए रविवार के दिन यानी 31 मार्च को रांधा पुआ यानी शीतला की पूजा का भोजन बनाया जाएगा और साल 2024 में शीतला सप्तमी यानी सोमवार के दिन 1 अप्रैल को बासोड़ा पूजन किया जाएगा। जय श्री राधे।